हमारे साथ हैं टाइगर एंड कृति. सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. ओके, बहुत अच्छी लगी आप लोगों को फिल्म. बहुत प्रेज कर रहे हैं आप लोगों की एक्टिंग को, पूरी फिल्म को. आप लोगों को किस तरह से रिएक्शंस मिले हैं? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. अब तक जो भी रिस्पॉन्स रहा है थैंकफुली बहुत पॉजिटिव रहा है. लोगों को फिल्म पसंद आ रही है. हम दोनों ने बहुत मेहनत की है पहली फिल्म में. न्यू कमर्स की फिल्म्स को इतना अच्छा ओपनिंग यूजुअली कई बार नहीं मिलता है, पर इतने अच्छे से हम लोग को वेलकम मिला. इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग. ओके टाइगर, आप क्या कहेंगे? आपके तो मतलब फैन फॉलोइंग तो हम बता भी नहीं सकते कि अगर बता दें कि यहाँ के जूम के जूम में टाइगर आए हैं तो लाइन लग जाएगी यहाँ पर. नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया. आखिरकार हमने बहुत मेहनत की है 2 साल से, और आखिरकार इसी के लिए तो कर रहे थे हम, अप्रिशिएशन के लिए. और अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है हम दोनों को, और हाँ बहुत शुक्रगुजार हूँ. जूम के ऑफिस में अब आप लोग आ चुके हैं, किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे अपनी सक्सेस को जूम के एम्प्लॉयज़ और मे बी फैंस के साथ? शायद आपके साथ डांस करूँगा मैं, शायद इनके साथ कुछ स्टंट्स करूँगा मैं. थोड़ी विसल बजाएंगे. बिल्कुल. हमने सुना है आप सड़क पे घूम के कहीं भी स्टंट कर रहे हैं, किसी के साथ भी स्टंट कर रहे हैं? अभी हाँ प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ मैं. Practice. बहुत पहले से ही, तो हाँ इन सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ मैं. कृति आप बताइए क्या क्या इन्होंने किया है, कौन कौन से स्टंट्स में आपको टारगेट किया इन्होंने? मुझे थैंकफुली किसी स्टंट में टारगेट नहीं किया. इनफैक्ट ये मुझे बचा रहे थे इन द फिल्म, तो नहीं. अब शायद हम आगे जाके एक फिल्म करें जिसमें हम एक दूसरे को फाइट करें. व्हाट्स इट? हीरोइन बनती. हीरोइन बनती. वाओ ग्रेट नेम. सीक्वल आई थिंक बन गई. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो बहुत सारी सक्सेस पार्टी हुई, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट दिखाया, क्या कहेंगे? जैसे मैंने कहा बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं हम दोनों, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत मेहनत लगती है इस फील्ड में, और हमने बहुत मेहनत की है 2 साल से, और वो शायद दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, तो हाँ. ओके कृति, बहुत सारे मतलब ए लिस्टर्स जो नाम लोग सोचते हैं कि शायद मेरी एक फिल्म में एक अपीयरेंस दे दें, मेरे लॉन्च पे आ जाए तो मेरी फिल्म सक्सेसफुल हो जाएगी, और उन लोगों का इतना बड़ा सपोर्ट मिला. जी एब्सोल्युटली. मतलब चाहे आप आमिर सर हो या सलमान सर हो या शिल्पा मैम, सो मेनी ऑफ देम जो आए हमारी पार्टी में, सक्सेस पार्टी में, हमारी छोटी सी जो खुशी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए. इतने बिजी होकर वो हमारे लिए टाइम निकाल पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है. यहाँ पर आपके एक और फ़ैन है जिससे हम आपको मिलवाएंगे, और जो मतलब इतनी क्रेजी है कि उसको जब पता चला कि टाइगर श्रॉफ आ रहे हैं तो सीरियसली तो बोले कि प्लीज़ मुझे मिलवा देना, मैं तो डांस करना भी चाहूँगी, मैं तो कुछ सीरियसली प्लीज़. तो आइए मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. टुडे इज़ माय बर्थडे एंड आई एम टेकिंग ऑल माय फ्रेंड्स टू वॉच योर मूवी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. एंड टाइगर मुझे चाहिए कि आप अपना वो डायलॉग बोले हीरो पंथी वाला. तेरी हीरो पंथी ना मरवाएगी तुझे. अब क्या करूँ, सब तो आती है मेरी शादी. ओह माय गॉड. टाइगर जो कि बहुत फेमस है अपने डांस के लिए, और कृति आप लोगों के स्टंट्स और डांस देखकर जो फैंस इंप्रेस हुए हैं, यहाँ पे जो फैंस हैं वो भी आप लोगों के साथ डांस करना चाहते हैं और कुछ स्टंट्स करना चाहते हैं स्पेशली विद टाइगर. लग रहा है जैसे हमने कुछ ना कुछ तो किए अभी स्क्रीन पे, अभी अच्छा लग रहा है. अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है, और आई एम रियली लविंग ऑल दी अटेंशन. बहुत वैसा लविंग ऑल दी अटेंशन. बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि यार इतने लोग इतने प्यार दे रहे हैं हमें और इतनी जल्दी. थैंक यू सो मच कृति. और यहाँ तो बहुत टैलेंटेड लोग हैं यार. अभी आई थिंक हम थोड़ी देर और वेट करेंगे तो बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा. और मैं आपको बता दूं कि थोड़ा टाइम 6 o'clock है, नहीं तो आपको ऑफिस पूरा भरा हुआ नजर आता, और ये जो क्राउड है डबल या ट्रिपल दिखते हैं यहाँ पे. जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. एंड आई थिंक इट्स ए ह्यूज ऑफिस हियर एंड देयर सो मेनी पीपल. इट फील्स ग्रेट. आई थिंक ये विसल का स्टेप जैसे लोग कॉपी करते हैं, यू नो इट फील्स कि अच्छा यू नो पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग दिस स्टेप, दे आर रिकॉग्नाइजिंग दिस सॉन्ग. सो या इट्स अ ग्रेट फीलिंग. टाइगर ड्रीम क्या है आपका? आई मीन आपने स्टार्ट तो कर दिया, कहाँ आगे बढ़ना है, किसके जैसा बनना है? मैम इंडस्ट्री में मैं ऋतिक सर को बहुत मानता हूँ,
क्या हुआ दिक्कत? आपका नाम क्या है? सॉरी, चेतना। मैं ऋतिक सर को बहुत मानता हूँ एज एन आइडल इंस्पिरेशन। बहुत ही कंप्लीट पैकेज है वो, हर किस्म के रोल करते हो, हर किस्म की किरदार करते हो। तो हाँ, मैं कोशिश करूँगा टू बी एज़ लिमिटलेस एज एन एक्टर, एज़ कंप्लीट जैसे ऋतिक सर है, कि डांस से लेकर एक्टिंग, बॉडी लैंग्वेज, फिजिक, मतलब कोशिश करूँगा हर एस्पेक्ट पे काम करना। खबरें ये भी आ रही थी कि ऑलरेडी करण जौहर ने आपको पकड़ दिया है कि आपको मेरे साथ काम करना है, क्या ये खबरें सच है? कोई फिल्म आपने साइन की है करण के साथ? जी, साइन कुछ भी नहीं किया उनके साथ, बातचीत हो रही है, हालांकि ऐसे ही नॉर्मल सा बातचीत, कुछ पिक्चर के बारे में बातचीत नहीं करते हैं ऐसे ही। वो खाली मिलने के लिए बुलाए थे एक दिन, और मेरे इंटरेस्ट पूछ रहे थे, मेरे फेवरेट पिक्चर्स के बारे में पूछ रहे थे, और फेवरेट एक्टर्स के बारे में पूछ रहे थे, जैसे आप पूछ रहे मुझे। तो बहुत ही नॉर्मल सा इंटरव्यू। हाँ बिल्कुल। अगर क्या उम्मीद है इंटरव्यू में पास लगता तो आएगी नेक्स्ट धर्मा प्रोडक्शन में? मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत जल्दी है। थैंक यू। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आप दोनों लोगों को बहुत मज़ा आया, आप लोग जूम के ऑफिस में आए और इतना एंटरटेनमेंट हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो ये थे टाइगर एंड कृति, जिनके साथ हमने बहुत एंजॉय किया। कैमरामैन आदित्य और हरी के साथ चेतना सिंह, जूम मुंबई।